हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष तो पहले से ही केंद्र सरकार के खिलाफ है, मगर इस बीच बीजेपी के अपने नेताओं के बयान भी उसके लिए गले की हड्डी बन चुके हैं और इस बार इस लिस्ट में साक्षी महाराज शामिल हो चुके हैं। जामिया से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे देश भर में अपनी जगह बना रहा है। हर तरफ से लोगों का यही कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून धर्म विरोधी है। उधर पीएम मोदी भी इस पर सभी छात्रों को यही समझा रहे थे कि बहस, चर्चा और विरोध लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन को बाधित करना कभी भी हमारे मूल्यों का हिस्सा नहीं रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद के दोनों सदनों द्वारा भारी समर्थन के साथ पारित किया गया है। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसदों ने इसे पारित करने में अपना समर्थन भी किया है। यह अधिनियम भारत की सदियों पुरानी स्वीकार्यता, सद्भाव, प्रेम और भाईचारे की संस्कृति को दर्शाता है। एक तरफ पीएम मोदी जब इस ट्वीट के जरिए सभी से शांति बनाने की अपील कर रहे थे, तब एक राज्यसभा सदस्य जामिया के छात्रों को कुछ इस तरह से संबोधित कर रहे थे। और क्या सबूत चाहिए? गिरफ्तार करो जामिया के प्रशासकों को और बंद करो ऐसे विश्वविद्यालयों को जो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। मगर तब पीएम मोदी की तरफ से अपने सांसदों को शांत करने की कोई भी अपील सामने नहीं आई। विवादित बयानों की इस नदी में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी डुबकी लगा ली है। मंगलवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव से एक जबरदस्त बयान दिया। बयान को लेकर विवादित हुआ था, मेरे खिलाफ केस हुआ था, मेरे बयान से दोहराता हूँ। इस देश में 40 बरसे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम जनसंख्याओं के लिए काम लेके आए, हमको हमारे और सबके को एक हिंदू का जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का भी है, इसलिए अब साक्षी महाराज के बयान के बाद सियासी आग लगना लाजमी था, तो इसमें सबसे पहले यूपी के पूर्व सीएम और सपा नेता अखिलेश यादव ही अपना बयान देने आ गए। महाराज नहीं हो सकते हैं, और ये मत समझना कि अगर उस तरह के वस्त्र पहन ले तो सम्मान मिल जाएगा। ये कई बार ऐसे लोग धोखा देने के लिए इस तरह के वस्त्र पहन करके समाज में निकलते हैं, और ऐसा एक जगह नहीं है, न जाने कितनी जगह है। क्या आप एक मुख्यमंत्री जो योगी अपने आप को कहते हैं उनसे ये उम्मीद करोगे? योगी वो होता है, मैंने कई बार बताया आपको, योगी उसको माना जाता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये सरकार के मुख्यमंत्री दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को लेकर कोई भी बवाल मचा नहीं है, लेकिन दोबारा से इस बात पर हर कोई सवाल या निशान लगाएगा कि आखिर पीएम ने ऐसे नेताओं को कुछ क्यों नहीं कहते। भले ही साक्षी महाराज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक संदेश देना चाह रहे हों, मगर निश्चित ही उनके शब्द कुछ और होने चाहिए थे। हालांकि इसी मौके पर उन्होंने अपनी तारीफ भी की और ये कहा कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और उन्नाव इस हिंसक प्रदर्शन में एक मिसाल बना है। हालांकि ये वही साक्षी महाराज है जिन्होंने ये भी कहा था कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होंगे। हमारे नेता मोदी सारे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और अब सारे देश में चर्चा हो रही है, मोदी है तो देश है, तो ये अब जो चुनाव होगा वो पार्टी का चुनाव नहीं होगा, वो साक्षी महाराज का किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं होगा। अब जो चुनाव होने वाला है वो देश का चुनाव होने वाला है। पहले बार देश में जागृति आई है, हिंदू जग गया है, लोग जग गए हैं, और मुझे लगता है किस चुनाव के बाद, मैं सन्यासी हूं, मन में जो आता कह लेता हूं, अनुभव करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। वैसे उन्नाव की तारीफ ही कर रहे थे तो सांसद साक्षी महाराज को दो दो रेप की वारदातों पर भी कुछ शब्द कह देना चाहिए था। शायद उनकी इस बयानबाजी में चार चांद लग जाते, मगर उस पर कुछ बोलना वोट बैंक से बगावत करने जैसा है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, जिस मामले पर पार्टी के शीर्ष नेता ही कुछ नहीं बोले,
तो वो क्या बोल पाएंगे। वैसे इंतजार तो इस बात का है कि अब बीजेपी पहले साक्षी महाराज को समझाती है या फिर विपक्ष इस पर हमला बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।